हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी में टोटल भर्ती अब फिर से ला दी गई है, जिसमें टोटल 15,000 वैकेंसी लाए गया। तो ये जो आंगनबाड़ी भर्ती आपके पास सुपरवाइजर, सेविका और सहायिका तीनों भर्ती के लिए तो लाया गया है। इससे रिलेटेड सारी बात को डिटेल से बताने आया हूँ कि ये भर्तियाँ कहाँ कहाँ है, किस जिले का और किस तरह से अब किस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई करना, फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है, ये सारी बातों का को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे प्लस तो अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि तो आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये रहा आंगनबाड़ी भर्ती 2019 दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं 8वीं 10वीं जो लोग पास है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको मैं बताने आया हूँ कि आयुष में कितना होगा, शुल्क कितना होगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी, सारी बातों का आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। दोस्तों जहाँ देख सकते हैं कुल पद टोटल दोस्तों, जो वैकेंसी के लिए पद है आंगनबाड़ी में, जहाँ पर आपको टोटल 3 पद है, पर्यवेक्षक है, सेविका है और सहायिका, इन तीनों को मिलाकर दोस्तों टोटल 15,000 के लिए पद लाया गया है। इस 15,000 में टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं सुपरवाइजर के लिए 5,000 वैकेंसियाँ हैं, सेविका के लिए 7,000 वैकेंसियाँ हैं, सहायिका के लिए 3,000 वैकेंसियाँ हैं। अब दोस्तों नीचे आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं पद का नाम क्या है। तो पद का सिंपल सा नाम आपको बता चुका हूँ, 3 पद दोस्तों। पहला है जो पर्यवेक्षक है, दूसरा है सेविका है एंड तीसरा है जो सहायिका है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि आंगनबाड़ी की जितनी भर्ती आती है उस सभी ऑलरेडी ऑफलाइन ही फॉर्म फिल किया जाता है, ऑनलाइन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से तो ये भी जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन ही फिल करना होगा। कौन आवेदन कर सकता है देख लेते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स देखते हैं, ये जो भर्ती है ऐसा नहीं कि दोस्तों कोई फिक्स स्टेट के लिए तो ये, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, यानी कि पूरे भारत के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका लड़का लड़की दोनों के लिए ये है दोस्तों। और जहाँ तक बात है दोस्तों इस फॉर्म के लिए वेतन, दोस्तों देख सकते हैं इस फॉर्म के लिए जो वेतन है दोस्तों, इस पोस्ट के लिए जहाँ पे पहला पोस्ट है दोस्तों आपका जो पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक के लिए टोटल 15,000 सैलरी है। नेक्स्ट है जो सेविका, जिसमें से टोटल 12,000 सैलरी है, और सहायिका दोस्तों जिसमें भी आपके लिए 12,000 सैलरी है। नौकरी का स्थान दोस्तों कहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको बता चुका हूँ, पूरे भारत में है। आवेदन शुल्क दोस्तों ये सिंपल सा दोस्तों फ्री एंड कॉस्ट होती है, इसमें किसी प्रकार आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप कोई से कास्ट के हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, सीएसटी में आते हैं, हैंडीकैप है, किस तरह के भी हैं, जाति के आप आते हैं दोस्तों, आप सभी उस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो अब इसके लिए जो योग्यता है दोस्तों सिंपल सा, अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 10वीं पास वाले लोग ये 10वीं पास वाले लोग दोस्तों पर्यवेक्षक के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जब बच गया सेविका और सहायिका, ये दोनों फॉर्म अगर 8वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों देखते हैं आयुष्मान, तो देखते हैं इसके लिए आयुष्मान क्या है। न्यूनतम आपका 17 वर्ष है और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष के हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और तो आपको आयु में भी छूट दी जाएगी तो जो हमारे भारत सरकार द्वारा जो रिलैक्सेशन का जो नियम है, ओबीसी में ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, जनरल एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए, वो सारा नियम दोस्तों आपको यहाँ पर भी फुलफिल किया जाएगा, और उसके अनुसार दोस्तों आपको यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन मिल दिया जाएगा। और हो सके दोस्तों तो इस फॉर्म का जो ऑफिशियल जो लिंक है दोस्तों, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा, डेट ऑफ लिंक को क्लिक कर ये सारा फॉर्म को खुद ही भर सकते हैं और सारा नोटिफिकेशन को खुद ही प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ तो इस तरह का गवर्नमेंट फॉर्म से अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल से बनेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ फिर अगर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊंगा या इसी तरह का अपडेट दिलाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।